हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एसएससी सीजीएल का एग्जाम। ठीक है, जो आपका हुआ था 6 दिसंबर को, और ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। सेकंड शिफ्ट का तो इसमें हम मैथ के सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, तो 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या लगा के, बेसिक लगा कर और साथ में लॉजिक लगा कर। ठीक है, दोनों चीज लगा रहे हैं ताकि आपको जैसा भी समझ आए आप समझ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्या पूछा है कि बोला कि वैल्यू J1 में पूछा, J2 में पूछा कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ P एंड R। R ये है और P आपका ऊपर है। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 12 + 30 करके दो से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्वांटिटी यही है, ये आपका J1 है। तो 12 और 30 42/2 = 21। ठीक है, और J2 क्या पूछा कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ Q एंड T क्या हो जाएगा, 35 20 + 15/2 35/2। ठीक है, तो मैं 21 को हटा रहा हूँ, 42/2 ही रखता हूँ क्योंकि सोल्व करने में अपना इजी रहेगा। बोला कि J1 - J2 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 42/2 - 35/2 ये तो पूछा आपसे, तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/2 हम कितना करेंगे, 3.5 करेंगे। ठीक है, तो जो भी मल्टीपल होगा 3.5 का, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपको इस तरह सोल्व नहीं आया तो 3.5 का मल्टीपल है 420। कैसे, कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है और वो भी आपका 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपको कंप्लीट सोल्व करना है तो इसने बोला है कि 6 फैक्ट्री में 12,000 है। ठीक है, राइट, 12,000 का 3.5%, ये अपना परसेंट है, आप चेक कर सकते हो, सारे परसेंट है। 3.7/2 × 12,000। ठीक है, ये कर लो आप 6,000। ठीक है, और 7 6 42, ओके, तो 420 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि पीयूष ने गिटार अनुज को 16% फायदे में बेचा। ओके, अनुज ने बैंक को वो 32% में बेचा और बैंक ने कितने रुपए दिए, तो पीयूष ने कितने रुपए अमाउंट लिया। ठीक है, तो ये हमें बताना है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करेंगे। तो ये आपका पीयूष ये अनुज को दे दिया, अनुज ने बैंक को दे दिया, तो 16% 16/100 कितना होता है, 4/25। अगर पीयूष के पास वो 25 का है तो अनुज के पास कितने का चला गया, 29 का, क्योंकि फायदा दिया है। अब 32% का फ्रैक्शन आप निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, 8/25। अगर अनुज के पास अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 25 का है तो मैंग के पास ये कितने का चला जाएगा, +25 में 8 + कर दो, 33 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने ये सोल्व किया तो अब ये खाली जगह को भर दो, फिल कर दो, ये 29 हो जाएगा, इधर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो क्या किया है कि ये 3,828 ये आपका इन दोनों की मल्टीपल है। ठीक है, और हमें इन दोनों की मल्टीपल निकालना है, राइट। तो सिंपल सी चीज देखो अब क्या, कि यहाँ पे जो आएगा वो मल्टीपल करके 625 आएगा, तो हमें वो आंसर चूज करना जो कि 625 की मल्टीपल में हो, ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो ये आपका 33 × 30 990, 990 में आप 33 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 957। ठीक है, और 957 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 3,828, राइट। कितने का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, 4 का मल्टीपल है, तो 625 को हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2500, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोला कि एक टेंजेंट है जो कि एम से खींची गई सर्कल पर और टी पर टच हो रही है। ओके ये आपका टी है, ये आपका एम है और इसकी वैल्यू 12 है। 1 सेकेंड ली गई है एम ए बी, ये आपकी सेकेंड हो जाती है कि एक सर्कल के एक पॉइंट से टच होकर वो लाइन बाहर चली गई। ठीक है, तो ये टच हो गए तो एम ए आपकी 8 दे रखी है, लेंथ ऑफ ए बी बतानी है ये वाली। ठीक, एक्स। तो क्या फॉर्मूला होता है कि ये आपका निकालने के लिए एम टी का स्क्वायर करेंगे और एम ए इंटू एम बी कर देंगे। ठीक है, और एम बी कैसे आया आपके पास, एम बी कैसे आया, एम ए प्लस ए बी आया। ठीक है, ओके। तो यही चीज आई। अब एम टी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। एम में कितना, 8, इंटू 8 में क्या ऐड करें ताकि 144 हो जाए, तो ये 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18, 18 आ जाएगा। तो 8 प्लस एक्स 18 आना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10। तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। बोला कि एचसीएम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो यहां पर आप देखोगे क्या है, एलसीएम है। ठीक है, ओके। तो ये तो होगा नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। एचसीएफ इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन डिविजर, नहीं ये डिविजर की बात कही है। और लेकिन लास्ट में देखते हैं, इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एचसीएफ मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर आर लिस्टेड, नहीं ये आपका, ये भी आपका एलसीएम में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा एलसीएम में सोल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर यूज करते हैं सभी नंबरों का। तो यहां देख लेते हैं, एचसीएफ टू और मोर नंबर इज हाइएस्ट नंबर, ठीक है, परफेक्टली डिवाइड बाय ऑल गिवन नंबर। यहां बोला कि कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए, फिर दो ऐसे नंबर होना चाहिए जो सभी को डिवाइड कर दे, जितने भी हमारे पास नंबर हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो आयरन पाइप का 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, और लेंथ जो है 12 है, थिकनेस ऑफ पाइप 1 सेंटीमीटर है और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ निकालना है किसका, डेसिमल का। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्योंकि सोल्व तो हुआ लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है, आंसर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कोट ए इतना है, तो टेन टू ए, टेन टू ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका टेन ए, टू टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कोट ए इतना है, तो टेन ए हमेशा इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, 15/8 है, तो ये 8/15 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो तो 2 × 15 8/15 डिवाइड बाई 1 माइनस 8/15 का स्क्वायर, यही तो बोला है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 × 8 16/15 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, ये 64, 225, 225 माइनस 64 बटे ये आपका 225 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दो, 16/15 गुना 225 बटे कितना हो जाएगा, 1 और 22 में 6 गए 16। ठीक है, ये 15 से ये कट जाएगा 15 पर, तो 161 सिर्फ आपके दो ऑप्शन में है, ये इन दोनों को कट कर दो। अब हमें पता लगाना 200 आएगा या 240 आएगा, तो लगा दो 15 15 225 होता है, 225 क्या होता है, 200 से बड़ा होता है, तो ये ऑप्शन कट गया। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ज्यादा माइंड पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इन एग्जाम को, या फिर आप सोल्व करना चाहो तो 15 6 के नंबर और 15 1 15 और 9 24 आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि अगर ये चीज आपको ये दी है, ये आपको ये, तो हमें ये निकालना है।
तो आप देखोगे कि ये क्या है, सुकेर में तो है फॉर्मेशन, तो इसका मतलब मैं इसका सुकेर कर दूं कोई प्रॉब्लम, तो 4x सुकेर, लेकिन हमें निकालना क्या है एक्चुअली में, 2x प्लस वाई निकालना, लेकिन मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसको स्क्वेयर में चेंज किया है, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू, ये दो दो नहीं चार, चार एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका 40 हो गया, इतना प्लस में 4 गुना 6, 40 प्लस 24 कितना हो गया 64। 64 तो क्या आपका 64 है आपका ये वाला, इसका स्क्वेयर है 64, लेकिन हमें क्या निकालना है 2x प्लस वाई स्क्वेयर रूट क्या, तो ये स्क्वेयर रूट 8 आ जाएगा, तो 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है कितना हो जाएगा। तो सीधा सीधा सिंपल बात है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, रूट 3/4 ए का स्क्वेयर, ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो रूट 3/4 इंटू ये आपकी हाइट दे रखी, सॉरी भाई हाइट दे रखी, तो इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। रूट 3/4 ए का स्क्वेयर, ए यहां पर साइड होती है, तो ये हमने हाइट बना दी 7√3, ठीक। अब मान लेते हैं हमें ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, तो क्या करेंगे, यहां 60 डिग्री का एंगल होगा, साइड 60 डिग्री का एंगल होगा, तो क्या होता है √3/1, √3/1 मतलब ये आपका 7 हो जाएगा। ओके, और अब ये साइड चाहिए तो sin 60 का लगा दें, sin 60 में क्या होता है P/H, तो P आपके साथ sin 60 वैसे क्या होता है √3/4 होता है, 2 होता है, ठीक है। तो मतलब √3 × 7 हो गया, तो 7 गुना ये आपका 7 × 2 = 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह सोल्व नहीं करना चाहते, या क्या होता है हाइट हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल पार्ट में बांटती है, तो ये 7 है तो ये भी 7 है, तो यहां से आप साइड भी ले सकते थे, या फिर आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साइड अपने पास आ गए 14, तो फॉर्मूला पुट कर दो, √3/4 क्या हो जाएगा, 14 है तो 14 × 14 हो जाएगा, ठीक है। 4 से ये आपका कितना गया, 7 ये गया, 7 ये गया, तो ये कितना हो गया 49√3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या बोला, अगर P इतना है तो ये चीज हमें निकालनी है, तो इसको हम सोल्व करते हैं अच्छे से, P³ निकाल लेते हैं सभी में से, P³ निकाल लिया ऊपर, P³ प्लस P प्लस P ये आपका 1/P प्लस 1/P³, ठीक है, और नीचे P³ दे रखा है, कट कर दो P³ को, तो हमारे पास क्या क्या निकालना है, हमें P³ प्लस 1/P³ निकालना है, और दूसरा क्या है इसमें प्लस करना, P प्लस 1/P, तो P ये चीज निकालने, तो P की वैल्यू दे रखी, 1/P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 − 4√3, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, P प्लस 1/P, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका 14 आ चुका है, और क्यूब का पता होगा, तो क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई भी समथिंग दे रखा है तो उसका क्यूब निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 14 का क्यूब निकालेंगे, राइट, माइनस कर देंगे 3 × 14, ओके, ये चीज हमें निकालनी है। तो 14 का क्यूब कितना होता है, 2744 होता है, राइट, माइनस कर देंगे कितना, 42 प्लस 14, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2744 − 28, इसको सोल्व करेंगे 2716 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या बोला कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेट सर्वे फ्रॉम एल, व्हाट परसेंट ऑफ पार्टिसिपेट इन जे, तो एल का जे से बताना रिलेशन, तो ये आप देखोगे कितना गुना ज्यादा है, तो 2.5 गुना ज्यादा है, राइट, तो 2.5 का परसेंटेज हमें बताना है, या फिर आप कह सकते हो 300/500 कर सकते हो, और ये आपका कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, ठीक।
तो 60% 1 मिनट 200, सॉरी जे से बताना है, तो ये आपका 300/200 हो जाएगा भाई, 300/200 हो जाएगा, सॉरी 500/200 आ जाएगा, क्योंकि एल का जे से बनाना है, तो इस गुना मल्टीप्लाई 100, तो 2 से 50, 50 गुना 5 आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा जल्दबाजी में सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर 60% आंसर होता, अगर इस तरह से अगर मैं सोल्व करता तो ये मेरा गलत हो जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि कितने सर्कल बन सकते हैं 2 फिक्स्ड पॉइंट से, कोई भी 2 फिक्स्ड पॉइंट ले लो, पासिस्ट, इन पर से हमें क्या निकालना, सर्कल निकालना, तो आप कितने भी सर्कल बना सकते हो, ठीक है, कितने भी सर्कल बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कितने भी बना सकते हो, ठीक है, तो इनफाइनाइट आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 10^15, दूसरे को मैं क्या लिखता हूँ, 10^2 और उसकी 26, तो इसका मतलब 10^52 प्लस 27, 10^3 होता है, और 3 गुना 18 कितना हो जाएगा, 10^54 प्लस, ये 9 को 10^2 लिख देता हूँ, 2 × 28 56 प्लस 10^, ये कितना हो जाएगा 58, तो यहां से 10^50 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10^2 प्लस 10^4 प्लस 10^6 प्लस 10^8, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब इसको सोल्व करना है बस आपको, तो सोल्व करो बस, आपको सोल्व करना है, फिर हमें पता लगाना है किससे डिवाइड हो सकता ही है। देखो 5 से और 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, राइट, इनको आप ट्राई भी मत करना सोल्व करने के, क्योंकि 3 मतलब क्या होता है, 10^1 3 होता है, 10^2 9 होता है, 10^3 27 होता है, 10^4 81 होता है, तो क्या आपको पता लगा कि कहीं से कहीं ना कहीं से ये डिवाइड हो रही है, 2 से नहीं हो रहा और 5 से नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो आप जानबूझ के कट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि 1 ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 81 हो जाएगा, ये आपका 729 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 6561, क्योंकि 81 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 10^15 1 प्लस 9 10 91, 91 729, ये आपका 720, ओके ठीक है, और 720 6 ये आपका 7381 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब हमें ये चीज सॉल्व करनी है, तो आप सॉल्व करोगे तो या तो इसको 7 से डिविजिबल करके देख लो, अगर होता है तो आंसर निकाल लेना, लेकिन हम 11 से निकाल रहे हैं, तो 7 और 8 कितना होता है, 15, 3 और 1 कितना होता है, 14, तो सॉरी 3 और 1 4, तो 15 में से 4 गई 11, तो ये 11 की मल्टीपल हो रही है, तो इसका मतलब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 7 से भी एक बार ट्राई कर लो, अगर देखना चाह रहे तो 7 7 3 8 1, 7 और 3 8 0 35 3 1, क्या डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा, तो इसका मतलब 7 भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हार्ड है इसमें, तो ये आपके 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुके हैं, ये आपके 6 दिसंबर के क्वेश्चन है, बेशक चेक कर लेना, शिफ्ट सेकंड जिसके जिसके भी एग्जाम थे उसको सॉल्व कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया एग्जाम उठाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।